नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार और पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर भारत में छठ पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस पर्व के बारे में हम सभी जानते हैं, अवगत हैं और इस पर्व की पवित्रता से जो इस पर्व को करते हैं उन सभी को मालूम है। लेकिन दोस्तों, मैं एक जानकारी के दृष्टि से और अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की दृष्टि से इस बिहार के पर्व के संबंध में अन्य जानकारियों को देने के संदर्भ में आपको यह वीडियो बना रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। दोस्तों, यह पर्व जो छठ महापर्व है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व बिहारियों, यूपी, झारखंड के लोगों के लिए माना जाता है। इस पर्व में कितने भी सुदूर जगहों पर लोग रहते हैं, वे अपने मातृभूमि, अपने घर पर वो उस पर्व के दौरान वापस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं तो जहां पर वह रहते हैं वहीं पर उसकी पूजा करते हैं, चाहे वह बॉम्बे हो, दिल्ली हो या किसी भी क्षेत्र में, या यहां तक कि विदेशों में भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व को मनाने के पीछे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, जो महत्वपूर्ण कारण है, इस पर्व से सभी लोग अवगत हैं और इसको पवित्रता का पर्व माना जाता है। साथ ही साथ यह पर्व सूर्य की उपासना का पर्व माना जाता है। इस पर्व में, क्योंकि सूर्य जो है पूरे विश्व को, पूरे विश्व का पालनहार है सूर्य, और उसी सूर्य की पूजा हम सभी करते हैं। मगर इस जगत की आत्मा सूर्य देव के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उसी का पर्व है यह छठ पर्व। उगते सूर्य को हम सभी प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन यह ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। वैसे तो पूजा की शुरुआत दिवाली के बाद से ही कर दी जाती है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन यह चार दिनों का चलने वाला पर्व, नहाए खाए से लेकर के खरना पड़ना तक यह पर्व चलता है, अनवरत रूप से यह चलता रहता है। तो इस पर्व की जो महत्ता है उसे हम सभी लोग जानने का प्रयास करते हैं, इससे अवगत होने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसको पूरा देखें और लोग साथ शेयर जरूर करेंगे। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है, यह बहुत पुराने समय से ही इसको किया जाता है। आप कई सारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख पाया गया है, जिसे दिवाली के छठे दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ भी कहते हैं, इसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मूल रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, इन जगहों पर मूल रूप से लोग करते हैं। इसके साथ ही जो महानगर में बसे होते हैं, आप देखेंगे दिल्ली, बॉम्बे, इन शहरों में भी पूजा प्रमुखता से इसको की जाती है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, वहां भी इसको की जाती है। तो यह जो आस्था का पर्व है, यह हम सभी के जो आस्था है उनके वजह से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को पूजा करते हैं, लेकिन इस पर्व में डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। और यह इसलिए नहीं कि यह हमारी एक सभ्यता और संस्कृति भी बताती है कि हमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं,
उनकी भी मान सम्मान और उनके अभिमान का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जवान हैं, बच्चे हैं, उनका ही ख्याल रखा जाए। इससे प्रतीत होता है कि सिर्फ हम लोग उगते हुए सूरज की नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनकी भी मान प्रतिष्ठा करें। इससे हमको सीख मिलता है और इसी वजह से डूबते हुए सूरज की पूजा करने की एक परंपरा बिहार में बनी हुई है, और बिहार ही नहीं जहाँ भी छठ होता है वहाँ पर। तो अब आते हैं छठ जो शब्द है खष्ठी, खष्ठी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। खष्ठी का मतलब ही होता है छह, इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही क्रम के छठे दिन, आरोही क्रम के छठे दिन कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीना की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है, यह मुख्य पूजा होती है। इसका रहस्य हम लोग आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस त्योहार में भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। इसका अर्थ क्या है, यहाँ जल देने से सूर्य के पास पहुंच जाएगा क्या, यह मतलब इस तरीके का प्रश्न आता है। तो इसके पीछे एक दार्शनिक अर्थ है, जीवन और पृथ्वी का आधार सूर्य ही है, यह सूर्य का आधार व्यक्त करने की परंपरा है। हम सभी देखते हैं कि जितने भी घर का पूजा हो या दिन की शुरुआत हो उसकी पूजा हम सूर्य की पूजा करके ही शुरुआत करते हैं। वहीं से जैसे हम लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ के रूप में जल अर्पण करते हैं, वहीं से हमारा दिन का शुरुआत होता है और वहीं से इसका कार्यक्रम भी हो जाता है। जल या आपह, जल को आपह संस्कृत में बोलते हैं, एक उसका अर्थ प्रेम भी होता है। जल प्रेम का प्रतीक भी है। आप्त एक शब्द है जो आपह से बना है, आप्त का अर्थ है जो बहुत प्रिय हो। इसका त्योहार का उद्देश्य सूर्य से अपनेपन और निकटता को महसूस कराना है। सूर्य को जल अर्पित करने का अर्थ है कि हम संपूर्ण हृदय से आपके सूर्य के आभारी हैं, और यह भावना प्रेम से उत्पन्न हुई है। इसमें दूध से भी अर्घ देने का प्रावधान है। दूध पवित्रता का प्रतीक है। दूध को पानी के साथ अर्पित किया जाता है। इस बात को यह दर्शाता है कि हमारा मन और हृदय दोनों पवित्र है। सूर्य इस ग्रह पर सभी आहार का स्रोत है। यह सूर्य ही है जिसके कारण ऋतुएं, वर्षा या अन्य मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। सूर्य इस ग्रह पर जीवन का निर्वाहक है। सूर्य के प्रति कृतज्ञता की गहन भावना के साथ प्रसाद बनाया जाता है। सब्जियां, मिठाइयां और विभिन्न खाद्य पदार्थों को सूर्य को यह कहते हुए अर्पित किया जाता है। कि यह सब आपका ही है, आपको ही यह समर्पण है, यह मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आपका ही है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पूरा परिवार अर्घ देने के लिए पानी में उतरते हैं और पानी में उतरकर सूर्य को अर्घ देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। जल को धीरे धीरे अर्पित किया जाता है। एक चीज हम लोगों ने देखा होगा कि सूर्य को जो जल दिया जाता है उसे धीरे धीरे अर्पित किया जाता है, धीरे धीरे उन्हें अर्पण किया जाता है, और सुबह और शाम के समय सूर्य को देखने का जो महत्व है वह पूरे विश्व इसे मानता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी मानता है। तो यह बताता है
या वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम लोग समझते हैं तो सूर्य की जो पूजा इसलिए भी की जा सकती है, की जाती है कि सुबह और शाम में जो सूर्य का जो किरण होता है उससे हम लोगों को विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसके वैज्ञानिक महत्व को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुबह और शाम के समय सूर्य का अवलोकन करने से शरीर में ऊर्जा अवशोषित करने में मदद मिलती है। जो शरीर में हम खाना बहुत सारे खाते हैं लेकिन ऊर्जा हम लोगों को पाने के लिए जो शरीर में एक एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। यह बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, बुद्धि को मजबूत बनाने में काम करता है और बुद्धि को सबल बनाने में भी मदद करता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका जीवन सूर्य की रोशनी पर ही टिका हुआ है। नित्य सूर्य को अर्घ देने से शरीर में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जीवन निर्वाहक सूर्य को सच्चे मन से आभार की अभिव्यक्ति करना ही छठ की पूजा है। यह व्रत दर्शाता है कि हम अपने अभिव्यक्त के लिए, अस्तित्व के लिए सूर्य के ऋणी हैं और जाति धर्म पंथ की सीमाओं से दूर यह पर्व हम सभी को मनाने का एक अवसर प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि इस पर्व में लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके और अमीर गरीब की जो भावना है उससे ऊपर उठ करके एक ही घाट पर एक ही जगह हम लोग इस पूजा को एक ही साथ आस्था और विश्वास के साथ इसको करते हैं। वहाँ पर कोई भी छुआछूत नहीं होता है। एक दूसरे का जो यह प्रेम और संभाव का पर्व है यह सिर्फ छठ में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए हम सभी इस छठ पर्व को प्रेम से और सौहार्द के साथ मनाएं, क्योंकि यह पर्व हम सभी के लिए एक परंपरा संस्कृति और बहुत सारी ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने इस धरती की जो छठ पर्व की जो आस्था का जो पर्व है इसे लोगों को तक पहुंचाने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इस पर्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दुर्भावना से ग्रसित हैं उन्हें भी इस पर्व की आस्था के बारे में समझ में आए। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।